नमस्कार, थाना कैंट क्षेत्र शिवनगर रामाशंकर ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायती पत्र दिया है। उन्होंने बताया है कि उनकी पत्नी नशे की आदी है, इनके चार बच्चे हैं और बच्चों को छोड़कर सूरज नाम के एक व्यक्ति पड़ोस का रहने वाला है उसके साथ चली गई है। इसमें थाना कैंट में मुकदमा भी दर्ज हुआ है, लेकिन थाना पुलिस ने अभी तक पत्नी को बरामद नहीं किया है और ना ही कोई सुनवाई हो रही है। उन्होंने कहाँ से आए, एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह से फ़ोटो उसमें वायरल हो रहा है। फ़ोटो में आप सूरज नाम का एक जो व्यक्ति है उसका फ़ोटो है और उसकी पत्नी का फ़ोटो है। अगर कहीं भी इसकी पहचान हो सके तो थाना कैंट में इसकी सूचना दें जिससे इनको पत्नी बरामद हो सके। क्या शिकायत है आपकी? अपराध हो गया, कोई कार्रवाई नहीं करी। क्या हुआ था पता नहीं, वो नशेबाज था, शराब भी पी लेती है, सुबाई पी लेती है। हैं? शराब भी पी लेती है। आपकी पत्नी? हाँ। अच्छा, क्या नाम है? नेहा। नेहा नाम है। हाँ। कहाँ की है? रहने वाली है, शादी में कलकत्ते से करके लाया था। अच्छा। हाँ। तो आप परेशान कर रही है आपको? हाँ, परेशान। कितने समय से कर रही है परेशान? साल भर से ज़्यादा हो गया। तो क्या कह मतलब क्या क्या करती है वो? तो अब तो मेरे पास है ही नहीं साहब। नहीं, पहले क्या करती थी वो आपके साथ? खेती करने के लिए काम करती है साहब, मेहनत से काम करती थी। मेरे साथ चार बच्चे हैं। अच्छा, उसी के हैं? हाँ। तो आप क्या चाहते हो आप? अब साहब मैं ये चाहता हूँ या तो मुझे तलाक दे या साहब बच्चों को साथ रहे। तो आपकी मुकदमा दर्ज हुआ उसमें? हाँ, मुकदमा मुका बहुत कोई साथ सुनवाई हुई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो पत्नी मतलब बच्चों को नहीं देख रही है? ना ना। तो कहाँ है पत्नी आपकी? पत्नी हमें नहीं मालूम है साहब कहाँ। इस लड़की का हाथ टूट गया साहब। हाँ। तो मेरे पास छोड़ के गया रात के 11 बजे। कौन छोड़ के गया? सूरज नाम का लड़का है, जो ले गया, जिसका नाम ले गया अपनी की पत्नी को। हाँ, नाम दर्ज रिपोर्ट है साहब। वो कहाँ रहता है? चिकरिया मानपुर। क्या नाम है उसका? सूरज। पिता का नाम राजा राम। अच्छा, तो पुलिस ने उसे पकड़ा नहीं अभी तक? अभी तक नहीं साहब, 8 महीने होने जा रहे हैं। तो कहाँ कहाँ पेश हुए हैं, कौन कौन अधिकारी? पेश हुए 4 बार और कहीं पेश नहीं। तो क्या चाहते हो आप? साहब यही चाहता हूँ, तलाक दे मुझे।